अगर आपको ड्यूक का पावर, हैंडलिंग, एजिलिटी पसंद है, बट कहीं ना कहीं यू डोंट लाइक द एग्रेसिव लुक एंड अप्रोच ऑफ दैट मोटरसाइकिल, देन इस बाइक में वो सब कुछ है विद अ मोर मिनिमल एंड फ्यूचरिस्टिक लुक. सो वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो आप सब? टुडे आई हैव द होस्ट वर्णा स्वाट पिलन 401. आज के वीडियो में यही देखेंगे कि हाउ इज दिस स्ट्रीट मोटरसाइकिल. एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि हाउ दिस मोटरसाइकिल राइड्स इन सिटी, हाईवे, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, कंफर्ट कैसा है, और ये भी देखेंगे कि ये किस प्राइस पॉइंट में आती है और इसके कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं इस वीडियो में. मोटरसाइकिल मैन, व्हाट अ मोटरसाइकिल डूड. बट ये देखो, आई एम ऑन द सिक्स्थ गियर. कितना बढ़िया पुल ले रहा है ये देखो. मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सिक्स्थ गियर होता है दैट इज एन ओवरड्राइव गियर. तो लेट मी जस्ट पुट इनटू फिफ्थ गियर. तो फिफ्थ गियर में कितना बढ़िया इसका पुल है ये देखो आप. पूरा ओवरऑल जो बैंड है ना टॉर्क का, सही है. एक मिथ होता है कि हाई रेविंग इंजिन्स में जिसमें ज़्यादा पावर होता है उसका लो एंड टॉर्क अच्छा नहीं होता. बट दिस मोटरसाइकिल, जस्ट वॉच फॉर योर सेल्फ. फिफ्थ गियर अराउंड 40 स्पीड है ना, इट्स गुड. अब बात करते हैं एक बार क्रूजिंग स्पीड. ये 100 हिट करता है अबाउट 6000 आरपीएम पे. और ये मीटर यार कितना बढ़िया लग रहा है. इसमें आप सेट कर सकते हो. और जैसे मैं हाईवे पे चल रहा था, आई जस्ट थॉट कि मिनिमल लुक लेते हैं. एंड इसमें आपको कोई अननेसेसरी डिटेल्स नहीं मिलेगा, जस्ट द स्पीड, आरपीएम एंड गियर इंडिकेटर. देखो, दीज मोटरसाइकिल्स आर नॉट मेंट फॉर क्रूजिंग, बट स्टिल अगर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की बात करूँ तो आप या तो इसको 4.5 के नीचे चलाओ, देन इट विल बी क्वाइट रिफाइंड, क्वाइट स्मूथ. Or else you ride it around here 6500 RPM. क्योंकि 4.5-6000 तक आपको हल्का हल्का वाइब्रेशन मिलेगा. सो वट यू कैन डू इज आइदर 4500 पे क्रूज एट अराउंड 80 और 6500 पे क्रूज एट अराउंड 100. उसमें क्या होता है कि वो बज गायब हो जाता है. अब एक बार गियर शिफ्टिंग देखते हैं इसका कैसा है. I'll just rev match and quickly drop down gears and उसके बाद I'll quickly upshift. Wow man, wow, क्या gear shifting है. Wow man, wow, इतना butter smooth. और इसमें एक बात क्या है, यू ऑल्सो गेट क्विक शिफ्टर. ये देखो, आई एम ऑन द फोर्थ गियर, आई एम इन द फिफ्थ गियर, आई एम इन द सिक्स्थ गियर, जस्ट लाइक दैट विदाउट इवन यूजिंग द क्लच. एंड ड्रॉप करना है फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर, थर्ड गियर,
it's very efficient. You just come down to that particular speed, that speed band, and then ye gear shifting bhi kar lega easily. Wow man, what a fun motorcycle to ride every day. Aur street motorcycles na fun hote hi hai. Fourth gear pe around 2.5-3000 RPM, engine sahi hai, koi knocking nahi hai. Na agile hai ye motorcycle. फोर्थ गियर से पुल लेते हैं एंड देन 80 पे जाके ब्रेकिंग करेंगे. पीछे कोई नहीं है, लेट्स गो. फोर्थ गियर 80 एंड ब्रेकिंग. वाओ, इतना कॉन्फिडेंस आपको देता है ना. मान लो आप स्पीड पे हो एंड आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, राइड दिस मोटरसाइकिल. और एट अ फर्स्ट ग्लैंस इसे देख के कोई ये बोलेगा ही नहीं कि दिस मशीन इज सो अग्रेसिव, सो ब्रूटल. काफ़ी मिनिमल लुक है, फ्यूचरिस्टिक लुक है, सटल सा इसका पूरा बॉडी है, फ्यूचरिस्टिक लगता है टू बी ऑनेस्ट. आगे ब्यूटीफुल सा सर्कुलर DRL के साथ, सुंदर हेडलाइट जिसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है. मैं आपको दिखाऊंगा इन द वीडियो अहेड, आपको दिखाऊंगा इसका नाइट का थ्रो कैसा है LED का. बाकी जो मैं कह रहा था, 4,500 RPM, वेरी कम्फर्टेबल. जैसे अभी मैं सिक्स गियर लगा चुका हूँ तो 4,500 RPM इट विल गो टिल 80. वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल है एंड देन उसके बाद इट्स कंफर्टेबल एट 6,500 RPM. यस, यहाँ पे वो बस ख़त्म हो जाता है. स्पेशली अगर आपको सिटी में चलाना है, इट्स सो लाइट, इट्स जस्ट 177 kgs, बट इतना कॉन्फिडेंस, इतना स्टेबल है कि क्या बताऊँ. हाई स्पीड्स पे भी आप 100, 120, 130 तक भी जाते हो, इट्स रॉक सॉलिड. डैम मैन, इसके पहले वाला जनरेशन का जो ड्यूक था, आई लाइक्ड इट, इट लुक्ड गुड. अभी वाला जो ड्यूक है ना, करंट मॉडल, वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव लगता है मुझे. और उसे देख के लगता है कि हाँ, दिस इज़ अ फास्ट मोटरसाइकिल, दिस इज़ अ एग्रेसिव मोटरसाइकिल. बट दिस वन प्यारा सा, क्यूट सा बॉडी है, फ्यूचरिस्टिक लुक है, लेकिन अंदर भाई इमेंस पावर, ब्रूटल ब्रिलियंट मशीन. यस दैट्स राइट, ब्रूटल ब्रिलियंट मशीन. चलो तो सबसे पहले देखते हैं इसका सीटिंग कंफर्ट, सीटिंग पोजीशन कैसा है. आई एम 5'10" एंड इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट है 820 mm, बट मेरे फुट एकदम प्लांटेड है. अगर सीटिंग पोजीशन की बात करूं तो फुट पैक थोड़े रियर सेट है एंड ऐसा है कुछ पोजीशन. दिस इज़ 90 एंड आप हल्का सा कमिटेड बैठते हो, बट अगर आप अपने थाई से टैंक को ग्रैप करते हो तो यू वोंट फील एनी वेट ऑन योर रिस्ट एंड यू कैन ईजिली मनूवर. एंड इफ़ यू वन राइड फास्ट, देन आप थोड़ा सा और पीछे बैठ के यू कैन बी मोर अग्रेसिव. एंड इफ़ यू वॉन्ट अ राइड चिल, देन थोड़ा सा आगे आके यू कैन इवन सिट 90 बिकॉज ऑफ दिस कूप्ड सीट. बात करें अगर POV की, तो सबसे पहले दिस इज गॉट अ 13.5 liters ऑफ टैंक एंड इट्स नॉट कर्वी, इट्स क्वाइट एजी, जिससे एक फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है इसे. एंड वी हैव ऑल्सो गॉट दिस प्लास्टिक प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ अ लगेज माउंट. आप इस पे टैंक बैग या लगेज माउंट कर सकते हो विथ डिफरेंट माउंट पॉइंट्स. तो अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की. तो जैसे अभी बाइक साइड स्टैंड पे है, तो इट्स शोइंग अ रीडिंग, मैंने हटा दिया, तो नाउ इट्स शोइंग फ्यूल रिजर्व. टच एंड फील की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो इट्स रियली प्रीमियम. तो बात करते अगर इस लेआउट की, तो यहाँ पे हमें मिलता है टाइम, दिस इज किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये गियर इंडिकेटर. यहाँ पे हमें मिलता है RPM, ओडोमीटर, एवरेज स्पीड, ट्रिप वन. उसके साथ इस बाइक में जो मोड्स है, सो करेंटली इट्स ऑन स्ट्रीट मोड, ABS इज़ ऑन रोड मोड एंड MTC इज़ ऑन. तो ये तीन ऑप्शंस क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ. इस वाले बटन को अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यू गो इनटू द मेन्यू, गो इनटू मोटरसाइकिल्स एंड यहाँ पे हमें मिलता है ABS. अब अगर आप ABS में देखो तो इट्स ऑन रोड मोड एंड इफ आई गो इनटू दैट एंड यहाँ पे देखो सुपर मोटो. तो सुपर मोटो में क्या होता है, इट टर्न्स ऑफ द रियर ABS. MTC इज़ मोर लाइक अ स्किड कंट्रोल, तो यू कैन यूज़ द थ्रॉटल, स्किड एंड स्लाइड. अगेन इन बाइक इन्फो अगर देखो तो कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, 321 किलोमीटर्स,
service range and service due in ride mode AVS MTC easy shift. आप on and off कर सकते हो. Easy shift मतलब वही quick shifter. अगर आपको चाहिए तो you can turn it on and you can turn it off as well. उसके बाद interface, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, इसमें तीन layout है. So basically the interface. तो फर्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट, जिसमें आपको सारे डिटेल्स दिखते हैं. सेकंड, जिसमें आपको ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप वन, ट्रिप टू, वो सब डिटेल्स नहीं दिखेगा. इट्स जस्ट स्पीड, आरपीएम एंड वट एवर द मोड यू हैव सिलेक्टेड. उसके बाद एकदम मिनिमल, जिसमें यू विल ओनली गेट गियर इंडिकेटर, किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड आरपीएम. तो चलो इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं. बात करें अगर सीट कंफर्ट एंड कुशन की, तो सरप्राइजिंगली दिस इज़ रियली कंफर्टेबल. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. और ये जो स्कूप सीट है ना, सो यू गेट अ लॉट ऑफ रूम वेयर यू कैन सिट. तो दिस इज़ क्वाइट वर्सेटाइल. वो हो, परफेक्ट ब्रेकिंग, परफेक्ट गियर शिफ्ट, ऑन पॉइंट. इसका हॉर्न भी अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा है. बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, क्यूट सा है, वो कानों में नहीं चुभता. बट आई एम नॉट श्योर कि आगे पीछे ट्रैफिक को कैसे सुनाई देगा. हल्का सा लाउड होता तो और बेटर था. बट एनीवेज, नहीं नहीं, यू डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट. वो इरिटेटिंग होता है. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू राइड दिस ब्रिलियंट मशीन. एंड इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, आगे हमें यहाँ पे ऑन द लेफ्ट कंप्रेशन एंड ऑन द राइट रीबाउंड एडजस्ट कर सकते हैं हम. एंड पीछे मोनोशॉक जो है, उसमें भी कितना सॉफ्ट, कितना हार्ड आपको चाहिए, प्री लोड एंड डैम्पनिंग एडजस्ट कर सकते हो आप. एंड स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया, स्टेबल कितनी है कॉर्नर्स पे भी. और इसके जो टायर्स है ना, पिरेली रबर है. इट्स सो ग्रिपी. सिटी में चलाना इज़ ऑल्सो रियली एफिशिएंट, इजी, बिकॉज लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, क्लच काफ़ी लाइट है, क्विक शिफ्टर है अगर आपको क्लच का भी यूज़ नहीं करना तो. तो अगर मुझे 400 सीसी मोटरसाइकिल कोई चूज़ करना है, तो आई विल हैव फोर ऑप्शंस इन दिस प्राइस सेगमेंट. वन इज़ द ड्यूक इट्सेल्फ, KTM 390 Duke, then another will be this Husqvarna Swartpilen 401, then I'll have Speed 400 and Scrambler 400. Speed 400, Scrambler 400 से I'll choose Scrambler 400. The toughest decision will be to choose between Husky 401 and Triumph Scrambler 400X, because वो motorcycle भी काफ़ी टॉर्की है, power almost similar ही है, बट वो थोड़ी सी इससे भारी है, अबाउट 15 kgs. बट उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी इससे थोड़ी बेटर है. टायर्स इसके 17 inch है, फ्रंट एंड रियर. एंड स्क्रैम्बलर में हमें 19 inch फ्रंट मिलता है, तो वो उसको काफ़ी कैपेबल बना देता है. एंड अगर आप मान लो टूर पे हो, बाइक पंचर हो जाए, तो उसमें ट्यूबलेस है, दैट्स ईजी टू फिक्स. इसमें है स्पोक्स, विच इज़ नॉट दैट ईजी टू फिक्स. आपको पूरा टायर निकालना होगा, सेपरेट द टायर फ्रॉम द रिम्स एंड देन फिक्स द ट्यूब. तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है. अगर ये कोई लेने का सोच रहा है, तो उसको एक काफ़ी बढ़िया सजेशन मैं ये दूंगा, आइदर यू कैन गो फॉर आफ्टर मार्केट ट्यूबलेस रिम्स. आई गेस वे टू स्पीड के 17 inch ट्यूबलेस रिम्स आते हैं, और यू कैन गो फॉर विटपिलन 250 का एलॉय. कंपनी ने खुद अप्रूव किया है कि यस, यू कैन फिट दी विटपिलन 250 अलॉय व्हील्स इन स्वार्टपिलन 401, तो दैट विल बी अ गुड अपग्रेड. एंड फिर ये मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया होगी. इसकी टूरिंग कैपेबिलिटी देखें, तो जैसे मैंने बताया, यू कैन ईजिली क्रूज,
कंफर्टेबली इन 80 और 100, नॉट इन बिटवीन। तो सही है, इंडियन रोड्स के हिसाब से यू कैन क्रूज एट 100 ऑल डे, कोई हीटिंग नहीं है, इजी टू मनूवर। विटपिलन से कंपेयर करो तो विटपिलन काफ़ी छोटा नैरो टाइप का बॉडी है, बट दिस लुक्स बिगर। पुराने मॉडल में जहाँ 9.5 9.8 ऐसा फ्यूल टैंक था, दिस हैज़ गॉट 13.5। क्या ही पावरफुल मशीन है मेरे भाई। अगर आपको ये सब मशीन्स की आदत नहीं है ना, ये आपको डरा देंगे भाई। इसमें ओवरटेक करना, इट्स अ चार्म। ओह डूड, इतना ट्रैफिक है लेकिन इसका इंजन हीट ही नहीं होता। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट रॉयल एनफील्ड इतने ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, पहले तो उसका क्लच हार्ड होगा। नई हिमालयन में स्लीपर असिस्ट दिया हुआ है, फिर भी उसमें हार्ड होता है। एन इंजन हीटिंग थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बट यू विल फील इट। इसमें बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको KTM ड्यूक का वो अग्रेसिव लुक नहीं पसंद, एंड KTM एज अ ब्रांड, तो ये भाई सेम सस्पेंशन, सेम कंफर्ट, नहीं कंफर्ट इसमें ज़्यादा है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस यार, कितनी बढ़िया स्ट्रीट बाइक है। ऐसे स्ट्रीट मोटरसाइकिल में सस्पेंशन भी अगर अच्छा है ना, और क्या लोगे भाई। हेडलाइट के थ्रो के बारे में बताओ तो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट अप। एकदम पिच डार्क कंडीशन है, एंड ये है कुछ थ्रो, ये है लो बीम, ये है हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, एंड ये पिच डार्क। लेट्स सी कि इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसा है। एंड टायर्स में ग्रिप कितना बढ़िया है। वाह मैन, दीज पिरेली टायर्स आर रियली गुड। अब जरा एक ऑफ रोड पैच लेते हैं। सस्पेंशन इज गुड ब्रदर। ग्रेट ग्रेट। परफेक्ट परफेक्ट। सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है, एंड उसको ये टायर्स कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कंप्रेशन रीबाउंड एडजस्ट कर सकते हो, प्रीलोड डैम्पनिंग एडजस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी वर्सेटाइल बाइक है एंड इट कैन डू अ लॉट। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स है एंड हाउ टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। देखो इंजन ब्रेकिंग पे जा रही है, काफ़ी स्टीप डिक्लाइन है। आप अगर यहाँ देखो तो दिस इज़ द स्ट्रेट एंगल एंड ये डिक्लाइन, और इंजन ब्रेकिंग पे जा रहा है, टायर्स कितना बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है ना, आई कैन जस्ट इवन फील दैट। परफेक्ट परफेक्ट। हल्का सा रियर ब्रेक मैं फेदर कर रहा हूँ एंड देन इंजन ब्रेकिंग। Wow, it's a powerful machine, one of the best for city and weekend rides. But हाँ, mileage आप ज़्यादा expect मत करना, maybe around 25-28 kmpl. और अगर higher rev करोगे तो let's say about 20. तो यही था एक practical overview of this motorcycle. अब आप मुझे comment में बताना 390 Duke
स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 या हुस्वर्ना स्वाट पिलन 401, आपको कौन सी अच्छी लगी? एंड अगर आपके पास 3.5 लाख रुपीज़ है तो विच वन यू विल गो फॉर? बाकी यही था इस वीडियो के लिए, माय रिव्यू ऑन हस्की 401। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, किसी भी कारण अच्छा लगा तो लाइक करना। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो बाकी वीडियोस देखो, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।